अहम खबर के साथ, क्योंकि लोकसभा के रण का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तो जारी कर ही दिया, आपको याद है। वहीं भाजपा के घोषणा पत्र का फिलहाल तो इंतजार है। अब ये माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र कमेटी बनाई गई है। भाजपा ने संकल्प पत्र के लिए अलग अलग माध्यमों को चुना है। जनता से करीब 5 लाख सुझाव लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी कि बीजेपी के संकल्प पत्र में विकसित भारत, महिला, युवा, गरीब और किसान पर फोकस, संकल्प पत्र में राष्ट्रवाद का मुद्दा शामिल होगा। इसका थीम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 रहेगा। पिछले दिनों कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जनता को 25 गारंटियां दे दी हैं, जिसमें गरीब परिवार की महिलाओं को अब सालाना 1 लाख रुपए दिए जाने का वादा भी शामिल है। तो बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार है। अब घोषणा पत्र क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। घोषणा पत्र यानी एक तरह से पार्टियों के वादों का आधिकारिक दस्तावेज होता है कि अगर ये सरकार बनती है, ये पार्टी आती है, तो किस तरह से उन्हें वादे पूरे किए जाएंगे। अब इसके लिए पार्टी जो है वो जनता से जवाब भी मांगती है, वोट मांगती है और सुझाव भी कई मांगे गए हैं। इसे लेकर आदर्श स्थिति यही है कि घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों के आधार पर पार्टियां वोट मांगती हैं। सत्ता में आने वाली जो पार्टी है 5 साल में उन वादों को किस तरह से पूरा करती है, वो ये भी कहती है कि हम ये जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए हैं वो हम इन्हें 5 साल में पूरा करेंगे। और ये हालांकि व्यवहार में दिखाई देंगी या नहीं ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा, लेकिन घोषणा पत्र जरूर होता है हर एक पार्टी का, जो ये बताता है कि हम ये वादे करेंगे, ये काम हम करेंगे। अब ये देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र जब जारी हुआ तो उसमें 25 गारंटियां उन्होंने दे दी थी। ये भी कह दिया था कि 1 साल में 1 लाख रुपए जो है वो गरीब महिलाओं के खाते में डाल दिए जाएंगे, 25 गारंटियां, कई तरह के न्याय पत्र को भी उन्होंने इसमें डाला हुआ है। अब बीजेपी का घोषणा पत्र का इंतजार। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से घोषणा पत्र बीजेपी का जारी होने वाला है, इंतजार है, नवरात्रि का शुभ पर्व चल रहा है, कल अंबेडकर जयंती भी है, तो क्या उम्मीद की जाए, किस तरह का ये पत्र हो सकता है, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जिसे बीजेपी कह रही है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें वो सारी चीजों का कुछ ना कुछ समाधान तो होगा, क्योंकि 2-3 चीज कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। एक तो उन्होंने जो महिलाओं को कहा है कि 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को देंगे, इसका कुछ ना कुछ वो समाधान निकालेंगे। और दूसरा, चूंकि MSP जो समर्थन मूल्य की बात जो भाजपा ने कही है वो तो चूंकि उनके घोषणा पत्र में पहले से है, अभी जो स्वामीनाथन कमेटी की बहुत संभव है कि ये दोनों चीज जोड़ सकते हैं। घोषणा पत्र में कुछ, भाजपा के घोषणा पत्र में 3-4 चीजों का कहीं ना कहीं प्राथमिकता होगी। एक तो राष्ट्र और संस्कृति का अभियान है, उसको प्राथमिकता होगी। युवाओं को और महिलाओं और किसान को और अनुसूचित जनजाति जो खासतौर से वनवासी क्षेत्र है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो है आदिवासी क्षेत्रों पर बहुत फोकस कर रही है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा के घोषणा पत्र में ये 4 बिंदु प्रमुखता से हो सकते हैं। किसान होगा, महिला हो, तो बिल्कुल रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के वादे हो सकते हैं। MSP पर तो लगातार बीजेपी कहती ही रही है, महिलाओं पर फोकस, युवाओं पर फोकस, किस तरह का होता है फोकस ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन कांग्रेस ने 5 न्याय जरूर डाले हुए अपने घोषणा पत्र में, जिसमें युवा न्याय है, किसान न्याय है, महिला न्याय है, सामाजिक न्याय की बातें कांग्रेस करती है, तो वहीं आर्थिक न्याय का भी जिक्र है। लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं, यानी ज्ञान की बात तो वो शुरू से करती रही, यानी जी मतलब गरीब, युवा और नारी सशक्तिकरण, उत्थान के लिए कई तरह के वादे और दावे घोषणा पत्र में किए जाते रहे हैं। और इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र में किस तरह की स्थितियां दिखती हैं, क्योंकि सर्वे जरूर करवाया गया है, लोगों से
सुझाव भी मांगे गए हैं। रमेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो रमेश जी से हम फिर से संपर्क करेंगे। आपको बता दें, चुनाव का मुद्दा तो हमेशा यही रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लेकिन अपने घोषणा पत्र में पार्टियां उसे कितनी अहमियत देती हैं और आने वाले समय में उसका किस तरह से निर्वहन किया जाता है, इसका अंदाजा तो आप इसी बात से अब लगा लीजिए कि अभी हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, 15,000 से ज्यादा शब्दों वाले घोषणा पत्र में एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर चर्चा की गई, 29 बार उस शब्द को जगह भी दी गई, यानी महंगाई शब्द का इस्तेमाल 3 जगह किया गया, एंटी करप्शन शब्द का इस्तेमाल 4 जगह किया गया। अब बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का भी गठन किया है। और इसी विषय पर हम और बातचीत करेंगे। रमेश जी तो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भाजपा के सह प्रभारी भी जुड़ गए हैं, मीडिया जगत से अनुराग अग्रवाल जी हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और अनुराग जी, आपको भी यही समझना चाहेंगे कि किस तरह का हो सकता है घोषणा पत्र जिसे संकल्प पत्र बीजेपी नाम दे रही। देखिए, संकल्प पत्र हमने इसलिए नाम दिया है कि जो हम घोषणा करते हैं वो हमारा संकल्प होता है कि हम जनता से ये कार्य करेंगे, और इसके लिए हमने जनता से ही सुझाव मांगे हैं। हमने पूरे प्रदेश में घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के लिए पेटियां भेजी, पूरे देश में भेजी पेटियां हमने। हमने व्हाट्सएप, SMS से भी सुझाव लिए कि जनता वास्तव में अपने लिए क्या चाहती है। इन सुझावों का संकलन करके हम जनता के हित में क्या काम कर सकते हैं वो हम प्रस्तुत करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कहती है वो करती है। जो विश्वसनीयता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, और विश्वसनीयता का सबसे बड़ा उदाहरण माननीय मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में हमने कहा था 370 इस देश से हटेगा, विभिन्न अवरोध के बावजूद 370 हटा। हमने कहा था राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसी विभिन्न घोषणाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी वो पूर्ण की है, और आगे भी जनहित में जो जो कार्य हो सके उसका संकल्प पत्र कल प्रस्तुत होगा। बिल्कुल, संकल्प पत्र जो है वो प्रस्तुत होगा, और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से भी नेता जुड़ गए हैं, सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INH 24/7 पर, और आपसे भी कि किस तरह से डिफरेंट हो सकता है कांग्रेस का घोषणा पत्र। तो हमने देखा ही है कि 25 गारंटियां हैं, 5 न्याय पत्रों का जिक्र उसमें किया गया है। बीजेपी से किस तरह से अलग हो सकता है और बीजेपी का क्या कुछ हो सकता है इसमें? भारतीय जनता पार्टी को तो नैतिक अधिकार नहीं है। जो पार्टी चुनाव जीतने के बाद अपने घोषणाओं को जुमला करार देती है वो किस नैतिकता से घोषणा की बात करते हैं? अभी संकल्प की बात कर रहे थे, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, किसानों की आमदनी दुगने करने की बात थी, 400 स्मार्ट सिटी का वादा किया था। भाजपा के सांसद तो गोद लिए थे गांव, बताए गोद से बाहर आए कि नहीं। और जिस तरह से अभी 370 का दावा कर रहे थे, 370 भी हटा है ताकि अडानी को वहां के कश्मीर में लिथियम की खदानें दी जा सके, ताकि वो वहां बिजली प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट पर काम कर सके। तो भाजपा का पूरा फोकस जो है अपने पूंजीपति मित्रों का हित है। जनता से जो जो वादे किए थे ये तो उसमें नाकाम रहे, तो इनको जवाब देना चाहिए, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। ये केवल और केवल भाजपा का राजनीतिक पाखंड है, ये साहस नहीं कर पाए हैं अभी तक। और सलाह और सुझाव की तो भाजपा के अधिनायकवाद में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जब मोदी साहब को ही फैसला लेना रहता है तो ये सुझाव का ढकोसला क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी को बतानी चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा था, मिलना था 20 करोड़ रोजगार, उल्टे लगी लगाई नौकरी खा गए। ये जिस तरह से अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नाकामी सर्वविदित है, भुखमरी इंडेक्स में पिछड़ते जा रहे हैं, जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 81 करोड़ 25 लाख इन्हीं के आंकड़ों में है, मतलब 60% जनता को जो जिस सरकार ने, जिस मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे ढकेला है, वो किस नैतिकता से जनहित की बात करते हैं? ठीक है, जनहित की बात किस नैतिकता से करते हैं, कह रहे हैं सुरेंद्र जी। अनुराग जी, जिस तरह से घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र तैयार हुआ तो उसके लिए कहा जा रहा है कि 1,500 से ज्यादा लोगों ने वीडियो के माध्यम से संदेश भेजे, कई लाखों लोगों ने अपने सुझाव भेजे, 5 लाख सुझाव आए हैं। किस तरह से भेद किया जाएगा, किस तरह से अलग किया जाएगा और अमल कैसे किया जाएगा इन घोषणा पत्रों को लेकर? देखिए, मैं एक बात बताता हूं,
कि हम मानते हैं कि लोकतंत्र में, यह दुनिया मानती है और मानना भी चाहिए कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। जिसमें माननीय मित्र है हमारे कांग्रेस प्रवक्ता, उनकी बात सुन रहा था कि हम यहाँ भाग रहे हैं, हम वहाँ भाग रहे हैं, तो अभी तो मौका है ना जनता की अदालत में जाने का। आपने अपना न्याय पत्र प्रस्तुत किया, हम अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले दो बार से लोकसभा में इस प्रदेश की, इस देश की जनता ने, जो न्यायाधीश है उसने आपको विपक्ष के लायक तक नहीं छोड़ा। इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने की, आपको विपक्ष के लायक तक नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं ना, आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था 72,000 रुपए न्याय देंगे। प्रदेश देश में 5 से 7 राज्यों में आपकी खुद की सरकार थी और बाकी राज्यों में आप सहयोगी थे, कहां आपने न्याय दिया ये बताइए। अब मोदी जी की बात करते हैं, संकल्प पत्र हमने भाजपा के घोषणा पत्र की बात करते हैं, तो लिखते जाइए, मैं बोलते जाता हूं, राम मंदिर, ये नई शिक्षा नीति, धारा 370, 3 तलाक, महिलाओं को खुले शौच से मुक्ति, प्रधानमंत्री आवास, संसद में 33% आरक्षण, करोड़ों नल में जल जीवन मिशन के तहत पानी, कोरोना काल में हर घर में टीका, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, देश में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ऐसे मैं कहना चाहूंगा तो मुझे लगता है एक डिबेट का समय ही खत्म हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, आप अपना पत्र लेकर जनता के सामने प्रस्तुत हुए हैं और हमें अपना संकल्प पत्र लाने दीजिए, अदालत फैसला करेगी, जो देश की सर्वोच्च अदालत है वो जनता। और मुझे लगता है कि जनता जानती है कि उनका विकास किसके साथ संबंध, किसके साथ संभव है। नरेंद्र मोदी जी और भावी भारतीय जनता पार्टी 400 से ऊपर सीट में आकर जीतेगी, यह निश्चय है। आप जितना चाहे उतना चिल्ला ले, आपको पूरी स्वतंत्रता है। जी सुरेंद्र जी, के वादे को कांग्रेस ने जुमला नहीं कहा था, नंबर दो नेता है भाजपा के अमित शाह जी, उन्होंने मोदी के वादे को जुमला बताया था। 18 लाख पीएम आवास छत्तीसगढ़ में ये झूठ बोले। पिछले 4 महीने से जब से साय सरकार आई है, एक भी नए हितग्राही को एक नया पैसा आवास के लिए नहीं मिला है। जिस प्रकार से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का ढोल पीटते हैं, देश में कर्ज का भार 4 गुना अधिक बढ़ा है, 54 लाख करोड़ से लेकर 205 लाख करोड़ करने वाली ये मोदी सरकार है। 5वीं अर्थव्यवस्था जो है मनमोहन सिंह की सरकार में बन चुकी थी। इनके यहाँ ये हालत है कि एशिया के टॉप 10 करेंसी से भारत का रुपया मोदी राज में बाहर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के नाते अधिकार नहीं है नए घोषणा करने का। 2014 और 2018 में जो 19 में जो घोषणा किए थे वो कब पूरा होगा बताएं। भारतीय जनता पार्टी देखिए, ये पिछला चुनाव जो है सैनिकों के शहादत पर, सैनिकों के खून पर, जिस बेशर्मी से ये पुलवामा के नाम पर वोट मांगे, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं और वहां की आतंकी एजेंसी ISI उसको पठानकोट में हमारे सैनिक अड्डों पे आके जांच करने का अवसर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिस पुलवामा के नाम पर ये राजनीति किए, पुलवामा का चुके हम जिक्र नहीं कर रहे सुरेंद्र जी, हम चर्चा कर रहे हैं कि घोषणा पत्र किस तरह का हो सकता है। अनुराग जी, अब आपसे भी समझना चाहेंगे किस तरह का हो सकता है घोषणा पत्र, जिस तरह से नमो ऐप पर भी बातचीत हुई थी। हमारे साथ रमेश जी भी जुड़ चुके हैं, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, मैं भी आपसे समझना चाहूंगी कि हमने देखा है कि स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी यही होती है, पहचान यही होती है कि विपक्ष मजबूत हो तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर जो बैलेंस है वो पूरी तरह से तालमेल बना रहता है। लेकिन अभी विपक्ष की स्थिति आप किस तरह से देख रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है कि विपक्ष अगर मजबूत हो तो सत्ता पर एक प्रकार से नियंत्रण रहता है, लेकिन ये तभी संभव है जब विपक्ष में जो लोग हैं वो सकारात्मक राजनीति करें और मुद्दों की राजनीति करें, तब मैं समझता हूँ विपक्ष मजबूत होता है। अब धीरे धीरे हम लोग स्वतंत्रता के साथ इस ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश भर में कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण विपक्ष की जो मजबूती होना चाहिए थी वो कुछ कम हुई और सत्ताधारी दल जो है कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावशाली अधिक बढ़ा हुआ है। लेकिन अब देखा यह जाता है घोषणा पत्रों की दृष्टि से दोनों के बीच में जो कॉम्पिटिशन आ गया है घोषणा पत्र में, विशेषकर कि लोगों को व्यक्तिगत सुविधाएं देकर के उनका लाभ लेना, ये जो स्पर्धा दोनों दलों में चल गई है इसका अब जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को एक ओर ये आत्म निरीक्षण करें कि लोगों को शासन आश्रित ना बनाए, उसको विपक्ष इस बात का निरीक्षण करे कि आखिर वो क्या कारण है कि जिसके कारण वो जनता में कमजोर हो बिल्कुल कारण जानने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। अनुराग जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, हमने विधानसभा चुनाव का भी देखा था नतीजा, मैतारी वंदन योजना जो गेम चेंजर साबित हुई। अब हाल ही में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है 1 साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा महिलाओं को, गरीब महिलाओं को। आपके घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो इसी से मिलती जुलती कोई और इस योजना का जिक्र हो सकता है क्या? देखिए, लगातार 10 साल में आपने देखा है कि देश कैसे विकास के राह पर, नई राह पर चल रहा है। हम तो पूछना चाहते हैं कांग्रेस से, प्रदेश की जनता ने पूछ के उसका उत्तर भी दे दिया है
कि आपने 500 रुपए प्रति महीना देने की कही थी, कहाँ गया वो पैसा? विधवा और बुजुर्ग पेंशन का तो आप खा गए, शराबबंदी का गंगा मैया की कसम खा के शराबबंदी की बात की, तो अपनी आय का जरिया बना लिया। और आप आज कह रहे 1,00,000 रुपए देंगे, जो 72,000 देने की बात की थी, जिन राज्यों में आपकी सरकार थी वहां देना प्रारंभ करना चाहिए था ना, लेकिन आपने नहीं किया। बात है विश्वसनीयता की श्वेता जी, सीधी सीधी बात यह है कि जनता की विश्वसनीयता किस तरह से ये दिख रहा है, लगातार चुनाव में दिख रहा है। भाई एक कांग्रेस के प्रवक्ता है ना कि प्रचंड बहुमत से चुनी सरकार 5 साल में इतनी बदनाम कैसे हो गई कि उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये कहते हैं प्रधानमंत्री आवास जुमला है, अरे भाई याद करिए आपके पंचायत मंत्री स्पष्ट रूप से पत्र लिखकर इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन आपने आवास नहीं बनाया क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था। आपके मंत्री जयसिंह अग्रवाल आपके अधिकारी पे आरोप लगाते रहे, रामू साहू के ऊपर, आज वो जेल पे हैं, वो सौम्य चौहान के खिलाफ आवाज उठाए, आप उनके पक्ष में खड़े हैं, आज वो जेल पे है। लगातार भ्रष्टाचार, शोषण और झूठ इनका कहना है। आपने कहा था कि भाजपा ने 15 लाख देने की बात की थी, भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ का चेक निकाला था कि आके आप सिद्ध कर दीजिए, आप सिद्ध नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ कि आत्ममंथन का समय है, एक इच्छुक राजकुमार को बार बार लॉन्च करने के लिए विभिन्न प्रपंच मत करिए। आप ये कि आजादी के बाद लोकतंत्र के सबसे बड़े देश में एक पार्टी में आज भी राजतंत्र है, उसके अंदर आप बैठे हुए, आपके जिन जिन नेताओं में गैर है, जिन जिन नेताओं में सम्मान है, आज भाजपा छोड़ कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे आपके लिए भी लगता है सुरेंद्र जी, आप मंथन करें, कांग्रेस का प्रत्येक सदस्य आत्ममंथन करें कि क्यों राजतंत्र के लिए आज भी वो दबा हुआ है। लोकतंत्र का शब्द है, पार्टी के अंदर आप अपने लोकतंत्र सबसे पहले चाहें, तो देश के लोकतंत्र के भगवान जनता के। सुरेंद्र जी, श्वेता जी, भ्रष्टाचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अवसरवादी राजनीति का प्रमाण है। पिछले 3.5 साल से ईडी और आईटी के माध्यम से भाजपा के जिस षड्यंत्र को अमल करने में ये लगे हैं, चिंतामणि बड़ा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में भाजपा के पास नेता कार्यकर्ता नहीं थे जो चुनाव लड़े, जो चिंतामणि जो है ईडी के आरोप उनको, और जिस प्रकार से चुनावी बांड का भ्रष्टाचार सामने आया है, इस सारी कंपनियों में सुन लेते हैं सुरेंद्र जी को, अनुराग जी सुन लेते। शराबबंदी की किस नैतिकता से बात करते हैं? 6,700 करोड़ का बजट, अब इनके बजट में 11,000 करोड़ हो गया। अब ये संघी भाजपाई जो है वो चखना सेंटर भी चलाएंगे। और किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं? छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण विधेयक इन्हीं भाजपाइयों के दुर्भावना से राजभवन में लंबित है, कैद है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते में जो कार्रवाइयां की थी ईडी ने भाजपा के इशारे पर, भाजपा के जिस षड्यंत्र को अमल किया था उसे अवैधानिक घोषित किया। हमारे साथ जुड़े हुए उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। रमेश जी, हमने देखा जब घोषणा पत्र आता है तमाम राजनीतिक पार्टियां, हमने शुरुआत से ही देखी है, इतिहास को भी उठाकर देख ले तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये तीन मुद्दे कब से चल रहे हैं, लेकिन अमूमन अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो क्या लगता है आपको कि ये सफल हो पा रहे हैं? ये मुद्दे इतनी बार उठाए जा चुके हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार का मुद्दा 1952 में जब चुनाव हुए थे तब भी ये भ्रष्टाचार का मुद्दा, कोई साइकिल घोटाला हुआ था उसको लेकर के 57 के चुनाव में आप कल्पना कर सकते हैं, फिरोज गांधी जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और उस पर दक्षिण भारत के एक उद्योग मंत्री थे, उनका त्यागपत्र हुआ था। तो कुल मिलाकर के जब से चुनाव होना शुरू हुए हैं तब से महंगाई और भ्रष्टाचार ये मुद्दे बराबर चल रहे हैं। ये मुद्दे अब उतना प्रभावशाली नहीं होते जितने प्रभावशाली एक समय में हुआ करते थे। मैं बहुत छोटा था, नेहरू जी जब आए थे भोपाल में 1962 के चुनाव प्रचार में, तब उन्होंने लाल परेड ग्राउंड में महंगाई की बात। तो कुल मिलाकर के महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे जो है ये लगभग लगभग लोग सुन करते सुनकर, अब जो मुद्दे कहीं ना कहीं आने चाहिए, इस समय दो मुद्दे बहुत प्रचार में है। एक तो वो कौन सा राजनीतिक दल है जो मतदाता को अधिकतम सुविधाएं दे सकता है, कि जो कॉम्पिटिशन चला हुआ है कि हम अगर लाडली बहना को इतना देंगे तो उनका काम इतना देंगे, हम इतने समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे तो हम इतने समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे, एक समय ये चीज ज्यादा प्रभावी होगी। उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र संस्कृति का जो माहौल वातावरण है वो कहीं ना कहीं प्रचारित होगा, जिस तरीके से, हालांकि ठीक है कि छत्तीसगढ़ में उसका लाभ नहीं मिला लेकिन उसकी देश भर में प्रशंसा हुई थी। तो बघेल सरकार ने खासतौर से गोबर पर, गोबर की खरीदी का
आखिर वो हमारे सनातन का मान बिंदु है। जी सुरेंद्र जी, सनातन का मान है और यही वजह है कि बीजेपी ये कह रही है कि हम हमेशा राम जी का जो मुद्दा है वो उठाते रहेंगे, वो सनातन की परंपरा है। नेता जी करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है वो, जो राम मंदिर भव्य रूप से बना है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले से बना है जिसमें ना आरएसएस पक्षकार थी ना भाजपा पक्षकार थी। भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल इतना योगदान है कि चंदा चोरी, जमीन दलाली, उन्माद फैलाना, जिस प्रकार से चंपत राय और भाजपा नेताओं की मिलीभगत से हर 10 मिनट में जो करोड़ों के हेर फेर किया गया वो भी सर्वविदित है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में रामन गमन पथ भी बनाई, माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर बनाए, ये बताए कि केंद्रीय परिपथ में जो रामायण परिपथ बनाए है उसमें छत्तीसगढ़ का एक भी स्थल शामिल क्यों नहीं है। बस चलते चलते अंत में रमेश जी आपसे अंतिम सवाल कि दोनों ही पार्टियां कहती हैं कि राम जी तो हमारे हैं, फिर भी आखिरकार दोनों में इस तरह का टकराव क्यों दिखता है? उसका कारण यह है कि राम जी को लेकर के भाजपा की नीति एकदम क्लियर है। 1980 में जब भाजपा स्थापना थी तब से उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस एक कदम आगे एक कदम पीछे हमेशा चलती रही। ये ठीक है कि राम राज्य की पहली कल्पना गांधी जी ने की थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कहीं ना कहीं एक कदम पीछे हटाया। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे जो सेकुलर मतलब जो धर्मनिरपेक्षता है उसको लेकर के एक कदम पीछे हटती थी। कि दमदारी के साथ कांग्रेस को भी कहना चाहिए था कि नहीं राम मंदिर वहीं बनना चाहिए था। कितने कांग्रेस से जुड़े हुए कितने वकील थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसकी सुनवाई टाल दी। इन सारी चीजों का लाभ भाजपा को मिलता है। तो प्रमोद कृष्ण जी जैसा व्यक्ति वो अगर राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पर आंसू बहाते हुए कांग्रेस छोड़ते हैं तो इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए, स्टिक रहना चाहिए, या तो फिर विरोध में ही रहें या फिर समर्थन में रहें। तो मैं समझता हूँ उस पर उसका लाभ और हानि बहुत स्पष्ट होगी। राम मंदिर पर भाजपा का टोटल स्टैंड रहा, कांग्रेस थोड़ी आगे पीछे हो। तो बिल्कुल राम राज्य की परिकल्पना का दम दोनों ही पार्टियां भरती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रमेश जी कह रहे हैं कि स्ट्रांग फॉर्मेशन की कमी जो है वो कांग्रेस में दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए, चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो बीजेपी का घोषणा पत्र का इंतजार है और आने वाले समय में देखना होगा, यानी कि कल देखना होगा कि घोषणा पत्र में कौन कौन से वादे और अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इसी